आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले क्षेत्र आसपुर के खोती गांव में मुकेश बंजारा के कच्चे मकान में 4 वर्ष नीलम अपने घर पर खेलते समय एक नाग ने बच्ची को 3 जगह काट खाने से बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर निर्मल की माता सुगना अपने घर के बाहर खड़ी थी। ताबड़तोड़ भागकर अपने घर में देखा तो नाग ने बच्ची को काटते हुए देखकर माता सुगना ने अपने पति मुकेश को व अड़ोसी पड़ोसी को बुलाकर निर्मल बंजारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपुर इलाज के लिए ले गई। बच्ची निर्मल की तबीयत ज्यादा खराब होने से सागवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया, मगर निर्मल में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि सांप काटने से सांप को लोगों ने पकड़कर डिब्बे में बंद कर रखा है। निर्मल की मौत की सूचना पर घर में रो रो कर बुरा हाल है। अड़ोसी पड़ोसी काफी संख्या में एकत्रित हुए और बच्ची के शव को दफनाया गया। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। उसको बाद में देखने के बाद 2 घंटे के बाद थोड़ी यहाँ पे खेल रही थी, 2 घंटे के बाद उसको देखने के बाद में उसको बच्चे को लेके भगे और इसको यहाँ पे पकड़ी। तो ये सांप घर में था? ये घर के अंदर था। सांप बच्ची को काटा, बच्ची सांप काटने से हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गए आसपुर, आसपुर अस्पताल ले गए, जिसके बाद अभी लेके गए सागवाड़ा। सागवाड़ा रास्ते में जाते जाते वो पोगे साहब बाबी लेके आए यहाँ पे। मतलब मैं आपको मैंने कॉल किया था।